बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूँ हम्माद जहीर और मैं हूँ निम्रा अहमद। शामिल करेंगे कुछ अहम खबरें। सियासी और समाजी शख्सियात राना इमरान शहजाद और बैरिस्टर राना आमिर शहजाद के चचा का नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव वाड़ा अमान दीन शर्की में अदा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक साथ ही इलाका के MPA चौधरी महमूदुल हक शाहीन और अवामी प्रेस क्लब के अहदेदारों ने शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियत इंतजार हुसैन भट्टी और इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी शफीक भट्टी ने भी शिरकत की। जिला शेखुपुरा और ननकाना साहिब के वकील हजरात ने भी शिरकत की। इलाका भर से कई चेयरमैन काउंसलर्स और इलाका के ताजरों ने भी नमाज़े जनाजा में शिरकत अदा की। इस मौका पर MPA चौधरी मोहम्मद हक शाहीन का कहना था कि मरहूम बिलाशुबा एक नेक और बरगजीदा इंसान थे। खबर शामिल करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से महंगाई का तूफान। हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने के अमल को लोगों ने बहुत तकलीफदा अमल ठहरा दिया। हालिया पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपए इजाफा होने से एक आम आदमी की जिंदगी में किन किन मुश्किलात का इजाफा होगा। खबर शामिल करेंगे भटशाह से वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण मंछी अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर गैर कानूनी तौर पर रजिस्ट्रार की भर्तियां करने लगी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के मुताबिक कोई भी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम किसी और सरकारी इदारे में नहीं रखा जा सकता, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर फरमान अली शाह जो मेहरान यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जिसको जैकबाबाद कैंपस से रिटायर्ड करके प्रोफेसर चांसलर के ओहदे से हटा दिया गया है। शामिल करेंगे शेखपुरा से अंदरून शहर थाना सिटी ए डिवीजन के इलाका चौक शरफपुर में सरे शाम 4 डाकुओं के मजम्मत करने पर शदीद फायरिंग। डाकुओं ने मजम्मत पर मेडिकल स्टोर के मालिक मलिक अली खान को हलाक किया और उसके मुलाजिम 40 साला मोहम्मद बूटा उर्फ आरिफ को शदीद जख्मी कर दिया। डाकू इस इलाका में पुलिस का गश्त न होने का फायदा उठाते हुए आतिशी असलहा लहराते हुए मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। मकतूल नौजवान मलिक अली खान को उम्र का अंदाजा 25 बरस लगाया गया है, जो नवाज लीग के रहनुमा मलिक यासिर खान और लेस्को के मुलाजिम मलिक वकास खान का छोटा भाई था। IG पंजाब पुलिस से मुतालबा किया कि शेखुपुरा में लॉ कानूनियत बढ़ाने का फौरी तौर पर नोटिस लें। खबर शामिल करेंगे एम हनीफ फूड कंपनी के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक एन हनीफ फूड कंपनी के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MNA चौधरी रियाजुल हक, जज वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी हुजरा शाह मुकीम हाजी मूसा खान गौरी समेत दीगर अहम शख्सियात ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर ओनर एम हनीफ फूड्स कंपनी हाजी अब्दुल सितार और हाजी अतीक अहमद ने तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानों को शानदार तरीके से वेलकम किया। एन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए एन न्यूज़।